ये जो डबल स्टैंडर्ड अप्रोच है लोगों का ना, बस वही कष्ट देखता है, चारों तरफ अंधकार। मोहम्मद साहब ने बल्ब की खोज की। अरे मैंने कहा गुप्ता जी कैसी बातें उल्टी सीधी कर रहे हो। अब भैया क्या करें, अब उनसे हो गया, ऐसे नहीं होता है। अगर मेरे अंदर सांप्रदायिकता होती तो मैं मुसलमानों से बात नहीं करता। अब इमोशनल मत होना, मत लड़ो, छोड़ दो, डबल गेम मत खेलो। तो 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ हाशमिट क्लैन में, और सेवेंथ सेंचुरी सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, यूरोप, एशिया, सब अंधकार से गुजर रहे थे, सब, ऑल ऑफ देम, ऑल, ये सब अंधकार से गुजर रहे थे सब। क्यों अंधकार? फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, जो यूपी और बिहार में आज भी जिंदा है, जिंदा तो लगभग पूरे भारत में है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर है यूपी और बिहार में। सामंतवाद अगर कहीं खत्म हुआ है तो भारत का वो एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर फारूक अब्दुल्ला के पिताजी ने सीलिंग पूरी तरह से लागू की। सामंतवाद, डोमिनेंसी ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, अंधकार। अगर भारत में स्त्रियां सती सिस्टम में परेशान हो रही थी तो यहां विच हंटिंग। आम आदमी हर जगह, यहां काबा, जितने डिफरेंट टाइप के ट्राइबल्स थे सबके गॉड रखे हुए थे, साल में एक बार मिलते थे, उसको बोलते थे ट्रूस ऑफ गॉड। साल में एक बार सब आते थे अपने अपने भगवान से मिलने के लिए, ट्रूस ऑफ गॉड। उस वक्त कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। लड़ाइयां चल रही थी, स्त्री की बुरी दशा, आम आदमी की बुरी दशा, चारों तरफ अंधकार। ये देखो, ये अब इमोशनल मत होना, सारे रिलीजन का बस दो ही काम था, संविधान और ट्रांसफॉर्मेशन। मत लड़ो, छोड़ दो। जैसे आज तुम देखो दो गुट है, एक जो नेगेटिव न्यूज फैला रहा है, एक गुट ऐसा है जो पॉजिटिविटी फैला रहा है। किसी भी घटना को तुम्हारे सामने कैसे प्रेजेंट किया जाता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, अब उसको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कर देंगे कि हिंदू मुसलमान का मामला था। राणा ने कहा हिंदू होके हम नहीं झुकेंगे। मानसिंह मुसलमान हिंदू नहीं थे, सुरजन राव हाड़ा हिंदू नहीं था, ये सब हिंदू नहीं थे। वो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक। इस देश का आदमी छद्मी बहुत है ना, छदम, सूडो। अगर मेरे अंदर सांप्रदायिकता होती तो मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, समर्थन तो बहुत दूर की बात है। डबल साइडेड क्या खेलना, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, हटाओ। धर्म में, किसी धर्म में कोई कमी है ही नहीं। मैं तो हजार बार, आज एक मुझे गुप्ता जी मोती झील में दो तीन लोग मिल गए, दोस्ती हो गई, कानपुर के सम्मानित लोगों में से। आपने जो वो कहा था वीडियो में, इस्लाम लैंप लेकर आया, तो मोहम्मद साहब ने बल्ब की खोज की। अरे मैंने कहा गुप्ता जी कैसी बातें उल्टी सीधी कर रहे हो। नहीं, वो आपका कहने का मतलब तो यही था
कि मोहम्मद साहब ने बल्ब की खोज की। अरे मैंने कहा गुप्ता जी डॉक्टर हैं। गुप्ता जी डॉक्टर हैं। सब्जी ठेला वाला लगा रहे होते तो मैं गुप्ता जी को माफ कर देता। डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत सम्मानित आदमी और बहुत बेचारा दर्शन दर्शन के और क्या डिस्कशन करते हैं वो ज्ञानी आदमी। अपने कहा अरे नहीं हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब सामंतवादी अंधेरा यूपी में बिहार में सामंतवादी तो है। तुम्हारा दुश्मन कोई जाति है? ब्राह्मण नहीं परेशान है जो आम आदमी है? आम आदमी किसी भी जाति का धर्म का वो परेशान नहीं है? पर तुमको वो नहीं दिखाया जा रहा, तुमको दिखाया जा रहा कि क्योंकि जब तक तुम टूटे रहोगे डिवाइड एंड रूल उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ भाग चाइना को बेच दिया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सर, आप बेच कैसे सकते हो? चाइना ने कश्मीर की टेरिटरी, पाकिस्तान ने कश्मीर की टेरिटरी चाइना को दे दी, किसी ने आवाज नहीं उठाई सर, उस पर भी आवाज उठाओ। ये जो डबल स्टैंडर्ड अप्रोच है लोगों का ना, बस वही कष्ट देखता है, दोनों तरफ से बोलो। लेकिन ये कौन सी बात है कि हम किसी आदमी की गलती पर गलती कहें और तुम अपने किसी की गलती को बोलो अरे नहीं नहीं वो तो अब भैया क्या करें अब उनसे हो गया, ऐसे नहीं होता है। इस देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं बहुत सारे सो कॉल्ड, वो कहते हैं हमारी गलती को तुम नजरअंदाज कर दो, हम तो भैया ऐसे ही है, हमारे यहां तो बहुत लोग जाहिल हैं, हमारे यहां भी है, तुम्हारे यहां गलती करें तो जाहिल और इधर गलती करें तो कॉमिनल, दोनों कॉमिनल है। जो गलत है अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग को चाइना को बेचा है उसका विरोध किया जाना चाहिए, वैसे ही जैसे तुम 370 को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, दोनों का करो। डबल गेम मत खेलो।